आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही रेयर प्लांट शेयर करने वाली हूँ। इसमें इस टाइम इस तरह से बहुत ही खूबसूरत से फ्लावर्स आ रहे हैं। एक्चुअली इस प्लांट को मैं हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से लेकर आई थी पालमपुर से इन द मंथ ऑफ जून। तो उस टाइम उन्होंने रिसीट में इसका नाम मेंशन नहीं किया था, इसलिए मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था इसकी केयर के बारे में कि इसको कैसे केयर करनी है या कब ये फ्लावरिंग करेगा, और मैं पहचान भी नहीं पा रही थी कि ये कौन सा प्लांट है। तो अब जब इसकी फ्लावरिंग हुई है तो फ्लावर, जैसे सबको पता ही है कि फ्लावर से हम किसी प्लांट को ईजिली पहचान लेते हैं। जब इसमें फ्लावरिंग होती है तो पहले ऑरेंज सा येलोइश, पेल येलोइश ऑरेंज कलर होता है फ्लावर्स का, और बड़े छोटे छोटे होते हैं फ्लावर्स, और बाद में वो थोड़े बड़े हो जाते हैं फ्लावर्स और बंच में आ रहे हैं। सारे फ्लावर्स बंच में आ रहे हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। ये फ्लावर सबसे पहले ये वाला फ्लावर खिला था जो बिल्कुल रेड कलर का हो गया है, बाकी सभी अभी छोटे हैं। इस ये फ्लावर भी जैसे अभी ग्रो करेगा। इसके फ्लावर्स के बेसिस पर ही इसके कॉमन नेम्स हैं, जैसे चाइनीज हैट प्लांट बोल देते हैं इसको, हैट की तरह लगते हैं इसके फ्लावर्स, और मैंडरिन हैट भी बोलते हैं, और कप एंड सॉसर प्लांट भी बोलते हैं। ये भी बहुत सूटेबल नाम लग रहा है मुझे, कप एंड सॉसर प्लांट, क्योंकि हम इसके फ्लावर्स को देखें तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे चाय का कप और सॉसर पड़े हुए हैं इकट्ठे, तो उसी तरह के इसके फ्लावर्स आते हैं। क्योंकि इसकी केयर के बारे में कुछ आइडिया नहीं था तो इसको मैंने ऐसी जगह पर रखा जहाँ पर बाकी प्लांट्स पड़े हुए थे, कॉमन प्लांट्स पड़े हुए थे। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि शायद हिबिस्कस के जैसे कोई फ्लावर्स आएंगे इसके अंदर, लेकिन इसके फ्लावर्स बिल्कुल ही अलग हैं और खूब सारे आ रहे हैं फ्लावर्स, बंचेज में आ रहे हैं। हर एक ब्रांच जो है वो भरी हुई है बर्ड्स से और फ्लावर्स से। तो इसको मैंने सारे प्लांट्स के साथ, जहाँ पर ऐसे प्लांट्स थे कि जिनको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती, तो उनके साथ मैंने इस प्लांट को रख दिया था। और इसको सनलाइट जो है वो 4 से 6 घंटे की सनलाइट मिल रही थी सुबह की, और दोपहर के बाद जो है सन दूसरी साइड चला जाता है वेस्ट साइड में, उसके बाद इसको सनलाइट नहीं मिल रही थी, इनडायरेक्ट सनलाइट मिल रही थी। तो ऐसा एनवायरनमेंट इसके लिए तो बहुत अच्छा है। मैंने कोई हाल फिलहाल इसमें कोई फर्टिलाइजर भी ऐड नहीं किया लाने के बाद। आप अगर मेरा परचेजिंग वाला वीडियो देखेंगे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि ये बिल्कुल एक सिंगल ब्रांच थी इस प्लांट की, और अभी आप देखेंगे कितनी सारी इसमें ब्रांचेज हैं, कितना फैल गया हुआ ये प्लांट। तो बहुत ज़्यादा इसको फर्टिलाइज़र ऐड करने की भी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये सारी बातें मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रही हूँ कि ये प्लांट मैंने किस तरह से रखा, विदाउट ये जाने कि ये प्लांट है कौन सा है। उसके आप रिजल्ट्स देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत इसमें फूल आए हैं, बंचेज में भर के फूल आए हैं। ये वाला फ्लावर मैं बता रही थी कि ये सबसे पहले, ये वाला बंच सबसे पहले खिलना शुरू हुआ, अब ये काफ़ी बड़ा बंच बन गया हुआ है। इसका जब मैंने सॉयल मिक्स प्रिपेयर किया था, तो जो नॉर्मली जिस तरह से मैं बाकी प्लांट्स के लिए प्रिपेयर करती हूँ, तो उसमें गार्डन सॉयल और मैन्योर का मिक्स करके इसके पॉट को मैंने फिल किया था। उसके बाद मैंने एडिशनल इसको कोई भी एडिशनल खास मैन्योर या कोई भी फर्टिलाइज़र ऐड नहीं की है, और आप देख सकते हैं कि उसी के बेसिस पे ये कितना बड़ा हो गया हुआ है प्लांट, इसकी ब्रांचेस कितनी सारी, और फ्लावरिंग आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है और कितने सुंदर कलर्स हैं इन फ्लावर्स के। ये हिमालयस का प्लांट है, हिमालयस का मतलब ये इंडिया, भूटान, नेपाल, म्यांमार, ये सभी कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा पाया जाता है ये प्लांट। लेकिन अब धीरे धीरे इसको ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह बाकी वर्ल्ड में भी इसको ग्रो किया जाना शुरू कर दिया हुआ है। तो इसको जो शुरू शुरू में जब हम इस प्लांट को लगाएंगे तब इसको थोड़ी केयर की ज़रूरत होती है। एक बार जब ये अपने आप को एस्टेब्लिश कर लेगा तो ये ड्राई मॉइस्ट सॉइल में, कैसी भी सॉइल में रह लेता है, पानी इसको बार बार ऐड नहीं करना पड़ता। एक दो दिन छोड़कर हम आजकल के मौसम में, सर्दियों के मौसम में इसे पानी डाल सकते हैं। एस्टेब्लिश होने के बाद एक तरह से ये ड्राउट रेजिस्टेंट, ड्राउट टॉलरेंट प्लांट हो जाता है, सूखे को थोड़ा बहुत झेल पाता है। बस पानी ये है कि इसकी सॉइल में रुकना नहीं चाहिए, ड्रेनी सॉइल होनी चाहिए। जहाँ पानी रुका वहाँ पे प्लांट की जो रूट्स हैं उनमें सड़न पैदा हो जाएगी और प्लांट वहीं पे मरना शुरू हो जाएगा। जहाँ तक सॉइल पीएच की बात है तो ये एसिडिक सॉइल से लेके
सॉल्टी सॉइल में, सभी तरह की सॉइल में ये बहुत ही इजीली ग्रो कर जाता है और आपको एक्सीलेंट रिजल्ट्स बनेंगे। आप कैसी भी सॉइल में से लगाइए, ये एक बार एस्टेब्लिश होने के बाद दोबारा से इसको बहुत केयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आप सॉइल देख सकते हैं, इसमें मैंने खूब सारी मैन्योर ऐड की थी। तो यहाँ से ब्रांचेस देखिए आप, कितनी सारी ब्रांचेस हैं इस प्लांट में, बहुत सारी ब्रांचेस निकल गई हैं। तो मैंने जैसे बताया कि मुझे आइडिया ही नहीं था कि प्लांट है कौन सा, तो मैंने कटिंग प्रूनिंग कुछ नहीं की कि इस बार इसको बढ़ने देते हैं, देखते हैं कि कौन सा प्लांट आता है। तो मुझे बहुत अच्छा प्लेजेंट सा सरप्राइज मिला है कि इसमें भर भर के फ्लावरिंग आ रही है। ये जो येलोइश पेल येलोइश ऑरेंज कलर के फ्लावर्स हैं वो नए हैं, ये वाला पुराना हो चुका है। ये फ्लावर जिनमें थोड़ा सा लेमन सा कलर है, ऑरेंज कलर है, वो नए नए फ्लावर हैं। तो यहीं से अंदाज़ा लगता है कि ये अभी और ज़्यादा फ्लावरिंग करता रहेगा। हर एक ब्रांच फूलों से भरी हुई है, कईयों में अभी फ्लावरिंग होनी है, कईयों में फ्लावरिंग हो रही है, और पिछले एक डेढ़ महीने से इसी तरह से ये फूलों से भरा हुआ है ये वाला प्लांट। तो ये अगर जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता प्लांट्स को लगाने के लिए और उनको फूल बड़े पसंद हैं, तो आप इस परमानेंट प्लांट को ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करिए। तो ये काफ़ी टाइम तक, स्प्रिंग सीजन तक आपके गार्डन में इसी तरह से फ्लावरिंग करता रहेगा। अब ये जो प्लांट है ये हिमालयाज को बिलोंग करता है, हिमालयाज में इसका ओरिजिन हुआ है। और दूसरी बात, ये मिंट की फैमिली को बिलोंग करता है। मिंट की फैमिली मैंने लेवेंडर, थाइम, ऑरिगेनो, रोजमेरी, इन सभी की फैमिली को ये बिलोंग करता है। तो जितने भी प्लांट्स मैंने गिनाए हैं सबकी बहुत ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यू होती है, तो इस प्लांट की भी मेडिसिनल वैल्यूज बहुत ज़्यादा हैं। ये आर्थराइटिस में इसके लीव्स का लेप जो है वो लगाया जाता है, और ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी हेल्प करते हैं इसके लीव्स। स्प्रिंग सीजन में हम इसकी प्रूनिंग करते हैं, और जब हम इसकी प्रूनिंग करेंगे तभी हम इसकी कटिंग्स को, जो हमने कटिंग ली होगी इसकी, उन कटिंग्स को हम सॉयल में लगा सकते हैं। और स्प्रिंग सीजन तो वैसे ही किसी भी प्लांट को मल्टीप्लाई करने के लिए बेस्ट टाइम होता है। तो आई होप आपको ये रेयर प्लांट देखकर अच्छा लगा होगा। तो आपको भी कहीं से इसकी कटिंग अगर स्प्रिंग सीजन में या लेट विंटर्स में मिलती है तो इसे ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करिए, और खूब खूब सारे प्लांट्स अपने गार्डन में लगाते रहिए। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए, कमेंट करके बताइए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। खूब खूब सारे प्लांट्स लगाते रहिए, गार्डनिंग करते रहिए और मेरे चैनल को विजिट भी करते रहिए। हैप्पी गार्डनिंग टू ऑल ऑफ यू।